पत्नी विचार करो, विचार करो, महिलाओं से निवेदन है, तुम जाके जब मरोगी ना, हकीकत वाला नहीं, तो ये सोचना, अपनी आत्मा से पूछना कि यदि तुम मर गई तो ये पति दूसरी शादी करेगा या नहीं करेगा, पूछना अपनी आत्मा से, पूछो अपने दिल से कि तुम्हारी डेथ हो गई तो ये दूसरी शादी करेगा, बोलो बोलो, गलत फहमी मत जियो, तुम्हारे जीते जी वो यहां वहां ताक झांक करता है, वो तो तुम रुकावट हो, करेगा या नहीं। मंदिरों में भगवान कम देखते हैं, किसकी बहू आई ये पहले देखते हैं, ध्यान करेगा या नहीं करेगा। एक जगह मैंने पूछा, एक महिला खड़ी हुई, बोले मैं बताऊं, इनका बताओ, बोले अभी मर गई तो कर लेगा। मैंने कहा क्यों, बोले अभी मैं जवान हूं, वो भी जवान है, बुढ़ापे में मरी तो शायद ना करे। मैंने कहा बुढ़ापे में शायद क्यों लगा रही है, बोले मैंने बूढ़ों बूढ़ों को भी शादी करते हुए, इस गलत फहमी में मत जियो, चिता ठंडी नहीं हो पाती है और मरघट में भी दूसरी शादी की तैयारियां शुरू हो जाया करती हैं। आप विचार करिए, क्या आपका पति दूसरी शादी नहीं करेगा? जरूर करेगा। और यदि करता है तो पतियों तुम सुन लो, तुमने आज तक पत्नी के भीतर विश्वास नहीं जगाया है, और यदि विश्वास जगा लेते तो पत्नी कभी भी ये स्वीकार नहीं करती कि तुम दूसरी शादी जरूर करोगे। ध्यान रखिए, आज से व्यवहार बदलिए, अपने चरित्र बदलिए अपना। आप सोचिए, आपकी लाश पड़ी है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ है, अरे वो भी आ गए जो जलते थे, वो जलाने आ गए, ध्यान रखिए, वो सब खड़े हैं दुश्मन। कल तक कह रहे थे भगवान इस पापी को जल्दी उठा, और आज शोक सभा में कह रहे बहुत अच्छा आदमी था। वाह रे, आदमी की जिंदगी तो देखो, कल तक गालियां बकते थे, आज कह रहे बहुत अच्छा आदमी चला गया, समाज में इसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती है। वाह रे, दोगला चरित्र आदमी का, मरने के बाद महान हो जाता है आदमी। विचार करो, डोरियों से मैं नहीं बंधा, मेरा संस्कार था, एक कफन पर ही मेरा रह गया अधिकार था, तुम उसे उतारने को जा रहे, सत्य है सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, आपके अनुरागी को आज ये क्या हो गया, आपके अनुरागी को आज ये क्या हो गया, मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया, मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया, कि सत्य देख हंस रहा, सत्य देख हंस रहा, कि जल रहा असत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चला, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। विचार करिए, सोचो, कौन हमारे लिए ढंग से आंसू बहाएगा। आपकी शोक सभा में कोई 10 मिनट आपको बोल सकता है? कोई नहीं बोलता। जितने शोक संदेश आते हैं, 1-2 पढ़े जाते हैं, बाकी पटक दिए जाते हैं, और क्या बोलेगा आदमी, सोचो। हमारी श्रद्धांजलि सभा, लेटे लेटे सोचते रहना, बड़े घड़ा की रसिया में सभा चल रही है, लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरा भट्टारक की नसिया में चतुर्मास था जयपुर में, 120 दिन में 100 श्रद्धांजलियां हुई, हर कोई मरे आए दिन। मैंने कहा होता क्या है, नसिया है क्या है? एक बार तो दुर्घटना घट गई, एक 80 साल के दादाजी की मौत हो गई,
श्रद्धांजलि पढ़ने अब लोग लो, रोज रोज क्या बोले भाई, रोज मर रहा है वहां कोई ना कोई। उसने अपने जेब से पर्चा निकाला, बहुत अच्छे आदमी थे, 80 साल का बूढ़ा, और हमें बड़ा दुख है कि उनका ये आकस्मिक निधन, बाल्य अवस्था में उनका मरण, परिवार को गहरा आघात लगा। ईश्वर से शांति की प्रार्थना करते हैं, लोगों ने माथा फोड़ा, उसने कहा सॉरी, ये दूसरा वाला निकल आया। हो गई श्रद्धांजलि तुम्हारी, मारे पंचम का इन पे भरोसा रखते हो। एक बात याद रखना जयपुर वालों, कि मरने के बाद तुम्हारे लिए शांति सभा रखी जाएगी, शांति की प्रार्थना की जाएंगी, लेकिन इन पर ज्यादा भरोसा मत करना। किसी की प्रार्थना से किसी को शांति नहीं मिला करती है, ध्यान। मैं आज पुलक सागर कहता हूं देवमती माता जी के समाधि मरण दिवस पर, कि जिस दिन मेरी समाधि हो जाए और जिस दिन मैं मर जाऊं, उस दिन पूरे देश से मैं कहूंगा मेरे लिए कोई भी शांति की प्रार्थना की जरूरत ना रखे, मेरे लिए कोई शोक सभा ना की जाए, कोई शांति की प्रार्थना मत करना, क्योंकि मैं पुलक सागर जानता हूं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं से मुझे बिल्कुल शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारी प्रार्थना में इतनी ताकत है कि किसी को शांति दिला सको, कुछ नहीं सब ढोंग है, बातें हैं। यदि तुम्हारी प्रार्थना में शांति है तो मैं तुम्हें निवेदन करता हूं, जाओ भगवान से प्रार्थना करो कि लादेन को नरक से निकाल के स्वर्ग पहुंचा दे। है तुम्हारी प्रार्थना में ताकत? नहीं है ना, किसी की प्रार्थना से कुछ नहीं होता। मैं पुलक सागर कहता हूं तुमसे कि जिस दिन मेरा मरण हो जाए, कोई समाधि की शांति की प्रार्थना मत करना, मैं अपनी शांति की व्यवस्था खुद करके जाऊंगा, ध्यान रखिए। और जो लोग अपनी शांति की व्यवस्था खुद करके जाते हैं, उन्हें दुनिया की प्रार्थनाओं की कोई जरूरत नहीं पड़ा करती है। कोई गाली दे या प्रशंसा करे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मोक्ष की ज्यादा चिंता मत करो तुम लोग, मैं अपने मोक्ष की व्यवस्था खुद करके जाऊंगा, ध्यान रखिए। किसी की प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होता है, सब बेकार की बातें हैं। एक बात याद रखना, अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं, वसीयत लिख गई हो कि मैंने कैसा जीवन जिया है, विचार करना। आज जाके घर में वसीयत लिख देना, और जो माँ बाप बिना वसीयत लिखे मर जाते हैं, उनके मरने के बाद उन घरों में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, सिर फूटा करते हैं। इसलिए मरने से पहले सब हिसाब किताब कर देना, और औलाद का ही मत करना, अपनी जिंदगी का भी हिसाब किताब कर लेना। विचार करिए आप लिखिए अपनी वसीयत। सबसे पहला शुक्रिया अदा करिए उसको जिस परमात्मा ने तुम्हें इस धरती पर जन्म दिया है, ध्यान रखिए। पहला धन्यवाद उसका करिए। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।